भिवाड़ी क्षेत्र में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। पहले हुई बारिश के दौरान जहां बाजरे की 60 से 70% फसल खराब हो गई थी, वहीं अब हो रही बेमौसम बारिश ने कपास और प्याज की 20 से 25% फसल को नष्ट कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से फसल खराब का सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन उन्हीं फसलों का खराब हुई फसल का सर्वे किया जा रहा है जिन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया हुआ है, लेकिन ऐसे किसान जिन्होंने फसल का बीमा नहीं कराया है वह अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भिवाड़ी सहित टपुकड़ा तिजारा तहसील में कपास और प्याज की फसल ज्यादा बोई जाती है। इस समय कपास में रुई और कॉटन निकली हुई है, जिससे बारिश का पानी रुई पर गिरने से वह पीली पड़ चुकी है। इधर प्याज के खेतों में भी जल भराव होने के कारण वह गलने की स्थिति में पहुंच चुकी है। कृषि विभाग तिजारा के अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि पहले हुई बारिश के दौरान बाजरे में 60 से 70% का नुकसान हुआ था, वहीं 3 दिन से हो रही इस बारिश में किसानों की कपास व प्याज की फसल 20 से 30% तक नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इधर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जिन लोगों ने अपनी फसल का बीमा करवाया हुआ था उन किसानों की फसलों का सर्वे किया जा रहा है। जितने प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है उसी हिसाब से किसानों के नुकसान की फाइल बनाकर भेजी जा रही है। साथ में SBI जनरल इंश्योरेंस के अधिकारी तिजारा कृषि विभाग के अधिकारी टपुकड़ा तहसीलदार एवं तिजारा तहसीलदार क्षेत्र में जाकर फसलों में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं और सर्वे कर किसानों को आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज पटवार हल्का मायापुर वर्धा होरीकला नाखनोल मायापुर होरीबुर्द वर्धा बांदा इन गाँव में क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जिन बीमित किसानों का फसल सर्वे किया गया, जिनके अतिवृष्टि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण जो फसल खराब हुआ था